आज सुबह के टाइम हमें इन्होंने फूक पर एक कॉल की थी कि मेरा मकान गिर चुका है और आपने जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, हम मौके पर हैं इस वक्त। ये देखें, इनके पास सिर्फ यही कच्चे दो कमरे थे जिनमें से एक गिर गया और दूसरे में ये खुद रहते थे, और जो गिरा उसमें माल मवेशी रहता था। इनकी जितने भी बेड़े थी वो आपने देखी हैं, अभी आपके कैमरे ने कैप्चर की हैं, वो मर चुकी हैं इस वक्त। दूसरे कमरे में ये थे, अल्लाह ने इनको बाल बाल बचाया है। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप देखें कि PMAY के तहत आप जो इंस्टॉलमेंट देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनको एक इंस्टॉलमेंट मिले हुए एक साल हो गया, जिसके लिए इन्होंने ये अपना प्लंथ वगैरह डाला है। ये सरिया आप देखते हैं कि ये इन्होंने मकान का काम शुरू किया, दूसरी किस्त इन्हें मिली ही नहीं, तो ये मकान बनाएंगे कहाँ से, और एक साल से ये इनको किस्त नहीं मिली। मैं सरपंच होने के नाते कोई फौरी रिलीफ नहीं दे सकता, ना मेरे पास इस तरह का कोई फंड है, ना पंचायत के पास, कि इनको फौरी कोई रिलीफ दी जाए। आप देखें कि हम किस मुसीबत और परेशानी में जी रहे हैं। जब भी हम मकान की बात करते हैं, PMAY मकानों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो हमारी सुनवाई नहीं होती। आज आप अपनी आंखों से देखें कि हम किस हालत में जी रहे हैं, हमारा माल मवेशी भी नहीं रहा और हमारी जानों पर बन आई है। बाकी आपको जितनी भी बातें हैं वो आजी साहब तफसील से बताएंगे। Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.